हेलो एवं, बहुत लोगों को और मुझे भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि बीएड और डीएड का एडमिशन जो काउंसलिंग चल रहा था वो कब होगा, क्योंकि आरक्षण के कारण जो है स्थगित हो गया था। तो अभी अभी बहुत अच्छा खासा न्यूज़ आया है कि ये फिर से जो है बीएड का काउंसलिंग जो है कल 28 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक WPC इतना में पारित निर्णय दिनांक 20/12 के पालनार्थ और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा के आदेश अनुसार 29/12, यहाँ पे क्या लिखा है 29/12, ठीक है, 29/12 से बीएड की काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली है। मतलब आज है 27 तारीख, 27 तारीख 29 से इस बीएड का जो काउंसलिंग है, बीएड और डीएल का काउंसलिंग फिर से प्रारंभ होने वाला है। विस्तृत जानकारी कल हमको इसके वेबसाइट, ये जो इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, इसमें हमको मिल जाएगा। तो कल मैं फिर से एक सूचना जो है, जो भी जैसा भी नियम आता है, फिर तो उसका नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। और मैं काउंसलिंग करके स्वयं का खुद काउंसलिंग करूंगा और 29 तारीख का मैं काउंसलिंग करूंगा कि देखिए इस ईयर का जो काउंसलिंग, जो एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम चालू हो चुका है दिसंबर में, लेकिन पता नहीं ये प्रक्रिया काउंसलिंग फिर से करा रहे हैं तो क्या होगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, पूरी जानकारी कल नोटिफिकेशन आने के बाद ये पता ही चलेगा। तो बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहिए, जो भी जानकारी मिलेगा उसका मैं आपको बताते रहूँगा। कैसे इसके फॉर्म को फिर से भरना है, क्या हमको फिर से कोई चार्जेस देना पड़ेगा, क्या है, सारी जानकारी कल जो है 28 दिसंबर को वेबसाइट में उपलब्ध होने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए वेट करते रहिए, थोड़ा सा मैं कल फिर से वीडियो डालूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही है कि एक सर्कुलेशन है, उस लेटर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, वेट करते हैं कल का।